इनका कहना है कि अपने जीवन में अपने इस बलिया में इतना बड़ा महायज्ञ कभी नहीं देखे हैं, तो ये सच में बलिया के लिए बहुत ही गौरव की बात है और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है अपने बलिया में। जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालुगण बलिया से बाहर हैं, वो लोग इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकें, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इस यज्ञ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? आप क्या रहा है इस यज्ञ के बारे में? इतना भव्य आयोजन न भूत में हुआ है, न भविष्य में होगा कि नहीं होगा, वर्तमान में हम लोग तो देख लिए। जी जी पूरे बलिया के लिए, हमारे भृगु क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा लग रहा है मानो 56 करोड़ देवी देवता यहाँ पे देवताओं का वास है और इतने श्रद्धालुओं को देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी संख्या में आखिर श्रद्धालु आ कैसे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा हद तक है, तभी हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़े। विजय है और हर धर्मों से बड़ा हमारा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म हिंदू धर्म, जो कि मानव को मानवता का पाठ सिखाती है, इंसानों को इंसानियत की पाठ सिखाती है, हमारा तो हिंदू धर्म बहुत जरूरी है आगे बढ़ाने के लिए। और इनसे मिलिए, आप अपने जीवन में इतना बड़ा ऐतिहासिक, इतना बड़ा महायज्ञ देखे थे कभी? कभी नहीं देखे थे, नहीं इतना बड़ा महायज्ञ नहीं देखे थे। महात्मा नहीं मिलेंगे, जो महात्मा जग कर आ रहे हैं ऐसे महात्मा नहीं मिलेंगे, संसार में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। सही बात है। बलि बलि भृगु बाबा की जय, जय स्वामी जी महाराज की जय। हम लोग देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भाव और भक्ति, अच्छी बात है। और सर आपको यहाँ पे बलिया के लोगों का बिहेवियर कैसा लग रहा है? आपको कोई अपना है मेला? जी, बाकी यहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा है? अब हम लोग चल रहे हैं अपनी बाइक को लेने के लिए और हम वापस चलेंगे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। सुनील भाई आपको भी काफ़ी अच्छा लगा? हम लोग तो अच्छा लगा, मेरा तो बुखार उतर गया, बुखार उतर गया मेरा, मुझे सच में बुखार था बहुत ज़्यादा, मन नहीं हो रहा था, लेकिन शिवा भाई आए एक बार बोले तो मैं सोचा चलो मैं भी चलता हूँ, आए लेकिन यहाँ आके सच में मेरा बुखार उतर गया, एकदम फिट हो गया। चलते हैं बलिया वापस, और कुछ छूटा होगा दिखाने के लिए या कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे हमसे छूट गई होगी, तो उसको हम फिर से दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। अभी बीच में रास्ते में एक दो जगह और हम कुछ दिखा सकते हैं आपसे। आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं इस जगह में? पहले भी आए हैं। अच्छा, पहले भी आए हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? आप क्या चाहते हैं कि इस तरह का धर्म कार्य हमेशा होता रहे, चारों तरफ होता रहे? अच्छा, एक चीज़ मैं देखा हूँ कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं बहुत लोग। आपका कोई भी रिश्तेदारी का कोई भी छोटा बच्चा आता हो, अगर आपका पैर छू रहा हो, तो आप क्या ऐसे आप भी देखे होंगे कि रोक देते हैं लोग, क्या रहने दो। तो क्या ये सही है या गलत है? गलत है। संस्कार में गलत है। भारतीय संस्कृति में हम देखे हैं कि बहुत लोग खुद बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम देखे हैं कि जब छोटे बच्चे पैर छूते हैं तो लोग रोकते, अरे नहीं 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 ऐसे ठीक है, ऐसे ही खुश रहो, ये गलत बात।
बात है, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही गलत बात है। बच्चे पैर छू रहे हैं तो छूने दो, अगर नहीं छू रहे हैं तो उनसे छूने के लिए आप खुद कहो कि बड़ों का पैर छूना चाहिए, इसलिए कि हमारी संस्कृति है। और हम जब खुद ही नहीं छूने देंगे, मना करेंगे, तो बच्चे कहाँ से छूएंगे। तो पैर छूना भारतीय संस्कृति है, इसके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। अगर विस्तार से मैं समझाने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये इतना समझ लीजिए कि ये ज़रूरी है। तो हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए ये ज़रूरी है, आप करने दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए और पूरे परिवार को साथ मिलाए। जी जी, चलिए आप भी जो लोग नहीं ला पाए पूरे परिवार को साथ मिले के आइए और दर्शन करिए। जो लोग बलिया से बाहर हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से इस धर्मनगरी का दर्शन करिए। धन्यवाद।